नमस्ते, दिस इज़ गीतू मीरपुरी. ये वीडियो बन रहा है कैंसर राशि का, अक्वेरियस राशि के साथ अगर रिलेशनशिप है, कुंभ राशि के साथ, कर्क राशि का कुंभ राशि के साथ रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है और क्या आपको सोचना चाहिए इस रिलेशनशिप से बाहर आने का. यहाँ पर चेक करते हैं कि आप जो है आपके पास्ट को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, मे बी आपके रिलेटिव्स, आपके करियर, आपका नेटिव प्लेस, सब छोड़कर आप इस रिलेशनशिप में आए हैं. कुंभ राशि में बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है आपके लिए इस रिलेशनशिप को निभाना, लेकिन टैरो आपको एडवाइस दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही एफर्ट्स डालेंगे और इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे. तो आपसे एडवाइस है कि आप वेट करें, इस चैलेंजिंग फेज को आप थोड़ा सा सहन करें अनदर 7-8 मंथ्स और इसको फेस करें बेसिकली, और बिल्कुल भी नहीं सोचें कि इस रिलेशनशिप से बाहर आएं. जैसे ही आप इस रिलेशनशिप से बाहर आते हैं, आप आसमान से गिरकर खजूर में अटक जाएंगे, आप नेगेटिव फेस में चले जाएंगे, जिससे बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. आपको फ्रेंड्स फैमिलीज़ का सपोर्ट ज़रूर मिलने वाला है. कैंसर राशि वाले जो हैं उनके लिए एडवाइस है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें. आप आपके पार्टनर के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और अपने विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करें. कैंसर राशि के लिए विल पावर बहुत ज़रूरी है. आप महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं. आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आप शिव लिंग पर अभिषेक कर सकते हैं और हो सके तो मंडे का फास्ट रख सकते हैं. कैंसर राशि के लिए वाइट क्लोथ्स बहुत लकी रहते हैं, जितना हो सके वाइट क्लोथ्स पहने और आपके लिए इवनिंग्स में बैठकर आप रिलैक्सली आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें. बिल्कुल भी सुबह को आप आपके प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी शेयर नहीं करें या कोई भी डिस्कशन, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपके पार्टनर के साथ नहीं करें. इवनिंग टाइम में हो सके तो चंद्रमा जहाँ से दिखाई देता है बालकनी टेरेस पर बैठकर आराम से अपने पार्टनर को अपने प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करें, उनके प्रॉब्लम समझें और हो सके तो इस रिलेशनशिप को आप पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं, कमिटमेंट की तरफ लेकर जाएं. कोई भी मेजर इशू नहीं है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं. कैंसर राशि अक्वेरियस राशि वालों के साथ अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी सिर्फ थोड़े से बातचीत से, मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करने से ये पॉजिटिव हो सकता है. तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचें, पॉजिटिव सोचें और आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाएगा. थैंक यू.